आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। चालीसा पर जब मैं मनन कर रही थी, मुझे बाइबल के कुछ घटना पुराने विधान और नए विधान से याद आया, जो मैं आज आप लोगों से बांटना चाहूंगी। योना का ग्रंथ अध्याय 3, निनवे के लोगों का पश्चाताप और ईश्वर की क्षमा। निनवे का पश्चाताप और ईश्वर की क्षमा। हम पद संख्या 4 में देखते हैं, योना इस प्रकार उपदेश देने लगा। निनवे के लोगों को योना इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। मात्र 40 दिन बचा है, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। यह सुनकर लोग ईश्वर के बात पर विश्वास किए। योना नबी के द्वारा ईश्वर ने लोगों तक जो संदेश पहुंचाया था, लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। छोटे बड़े, युवा, सारे लोग, हर एक टाट ओढ़ लिए। यहां तक कि वहां का हम पद संख्या 8 में देखते हैं, राजा का भी आदेश निकला। राजा ने आदेश दिया, सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर से दुहाई कीजिए। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दे। देखिए, एक राजा जब नबी के द्वारा बताए गए उस 40 दिन की तैयारी पर गौर किया, मनन किया, तब न केवल उसने फैसला की, बल्कि उसने पूरे अपने देश में उसने आदेश दिया कि सारे उपवास करने लगे, ईश्वर से दुआई करने लगे और सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों द्वारा हिंसात्मक जो भी कार्य है उसे छोड़ दे। क्या जाने हमारे ऐसे करने से ईश्वर द्रवित हो जाए और उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर, हम जब चालीसा में प्रवेश किए हैं, आज ईश्वर हमें भी आदेश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हम भी इस चालीसा काल को उसी तरह मनाएं या उसी तरह महत्व दें या उतना ही महत्व दे जिस प्रकार निनवे के लोगों ने दिया था, निनवे के लोगों ने समझा था और जो आदेश राजा ने दिया था लोगों को कि वे अपने कुमार को छोड़ दे, अपने हाथों द्वारा सारे हिंसात्मक कार्यों को वे छोड़ दे। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन और आने वाला ये चालीसा का हर दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व रखता है। हर पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन से ये चालीसा का एक पल भी छूट जाए, ऐसा छूट जाए या हमारे हाथ से ऐसा निकल जाए कि हम अपने आप पर गौरव नहीं कर पाए, हम पश्चाताप नहीं कर पाए और ऐसी कोई गलती को लेकर हम ईश्वर के न्याय के दिवस के लायक बन जाए। अध्याय 139 में हम देखते हैं, चैप्टर 139 में हम देखते हैं कि वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर, मेरे मुख से शब्द निकला ही नहीं कि प्रभु तू जान गया कि मैं क्या कहने जा रहा था। मैं चाहे लेटूं या उठूं, मैं बैठूं या चलूं, मैं कुछ भी करूं, प्रभु तू जानता है
24 घंटा मुझ पर निगरानी रखने वाले ईश्वर जान रहा है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मुख से कैसे शब्द निकल रहे हैं, मेरे कदम क्या करने के लिए बढ़ रहा है, मेरे हाथ कैसे कैसे चीजों का इस्तेमाल कर रहा है या क्या क्या कार्य कर रहा है, मेरा जीवा क्या कैसे कैसे न्याय करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या ऐसा ना हो कि मुझे देखकर ईश्वर को लगे कि मैं किस प्रकार अपने कुमार्ग को छोड़ दिया हूं। तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। ईश्वर निनवे के लोगों पर जिस प्रकार की धमकी दी थी उनके उनके कुमार्गों को देखकर, उनके पाप को देखकर जिस प्रकार ईश्वर क्रोधित हुए थे, अब उनके पश्चाताप को देखकर, उनके कुमार को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाते हुए देखकर, नबी के द्वारा बताए गए वही मार्गों से होकर चलते हुए देखकर, ईश्वर अभी अपनी योजना को बदलते हैं, अपने शब्दों को बदलते हैं, वे फिर वापस उनसे ऐसा नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी हम पर कई प्रकार के पाप का भार है। हम भी कई प्रकार से हम रास्ते से, ईश्वर के बताए हुए मार्ग से हम भटक रहे हैं। नबी द्वारा, पवित्र ग्रंथ के द्वारा कई लोग हमारे पास आते हैं, कई प्रकार की बातों को लेकर कई प्रकार से हमें सलाह देते हैं। क्या हम कभी कभी उन्हें टुकराते नहीं हैं? क्या कभी कभी हमें उनकी बातें बिल्कुल सस्ता नहीं लगता है? ओ क्या हम क्या उनके बातों को कई बार अनसुना अनदेखा नहीं करते? लेकिन आज वक्त है, आज हमारा समय है, आज आपका समय है, आज मेरा समय है कि मैं उठकर खड़े हो जाऊं। और जैसे हम इसायास का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 21 में हम देखते हैं कि प्रभु कहता है, यदि तुम अपने रास्ते से भटक जाए तो पीछे से तुम एक वाणी सुनोगे, यहां से जाओ, ये रास्ता से होकर जाओ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के बताए हुए रास्ते से ही हम जाए तो हम जरूर उस स्थान पर आ पहुंचेंगे जहां पर यीशु ईश्वर अपने दोनों बाहों को पसारे हमारे लिए खड़े रहेंगे, हमें अपनाने, हमें स्वागत करने, हमें दिल से लगाने, और हमारे लिए वो स्थान तैयार है जहां पर हमें रहना है। मुझे याद आ रहा है एक कारपेंटर की, एक बार एक बड़े राज्य में एक पुस्तक में पड़ी हुई एक घटना है, मुझे बहुत ही सत्य घटना लगता है इसे जब मैं पढ़ी और मनन की, वो इस प्रकार है। एक राजा के दरबार में एक कारपेंटर था, उसकी कला बहुत ही विचित्र थी, बहुत ही महान था, बहुत ही आकर्षक था। वो एक से एक प्रकार का महल बना सकता था। उसने राजा के आज्ञा पर कई सारे महल बनाए। आखिर उसका रिटायरमेंट का वक्त आया, तब वह राजा के पास गया और बोला कि राजा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं छुट्टी लेना चाहता हूं। राजा ने कहा, बिल्कुल सही, मैं आपकी, आपने जो कहा मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप एक और महल बनाइए, एक और महल बनाइए, उसके बाद आप रिटायर हो सकते हैं। राजा की आज्ञा अनुसार ये कारपेंटर, अभी बड़े उसे उतना पसंद तो नहीं आया, लेकिन राजा के कहने पर उसे तो करना ही था। उसने जैसे तैसे इतने सालों से उसने जो भी बनाया था उसमें जो बचा कुचा है लकड़ी उकड़ी को लेकर, बिल्कुल इच्छा से तो नहीं बल्कि इधर उधर से जमा हुआ बचा हुआ चीजों का
इस्तेमाल करते हुए जैसा तैसा एक महल बनाया। जब खत्म हुआ, उसने उस महल की चाबी को लेकर राजा के पास गया और बताया, राजा महाराज महल तैयार है और ये रहा चाबी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राजा ने कहा, आज शाम को मेरे महल में मैं सारे मंत्रियों को आमंत्रित किया हूँ, आपके रिटायरमेंट का घोषणा करता हूँ और आप भी शाम को आइएगा। और शाम को पूरे दरबार में सारे मंत्रियां एकत्रित हुए और भी कई लोग वहां पर एकत्रित हुए। राजा ने बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ इस कारपेंटर की बहुत सारे तारीफ की, खूब तारीफ की। और आखिरी में राजा आगे बढ़कर इस कारपेंटर के द्वारा बनाई गई आखिरी महल की चाबी को वह कारपेंटर के हाथ में थमाता है, यह कहकर, ये रहा आपके द्वारा बनाया गया आखिरी महल, आपके लिए गिफ्ट में, तोहफा में मैं आपके लिए देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कारपेंटर एकदम शॉक में पड़ गया, उसे बहुत दुख हुआ। वो अपने आप में सवाल करता रह गया कि यदि राजा मुझे बताता पहले से कि जो घर आप बनाने जा रहे हैं ये आपके लिए बना रहे हो, ये घर आपका होगा, तो मैं कितने अच्छे से बनाता, कितने अच्छे अच्छे असली असली मटेरियल के साथ बनाता। मैं तो बचा कुचा जो भी मेरे पास था उसी को लेकर जैसा तैसा बना लिया, मुझे ये नहीं पता था कि ये महल मेरे लिए है। लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं रहा, राजा ने वो चाबी उसके हाथों में दे दी और वही था उसके लिए गिफ्ट। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पृथ्वी पर हम जो भी कर रहे हैं ये सब स्वर्ग में, हमारे मरण के बाद स्वर्ग में ऊपर हम खुद अपने लिए एक महल बना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाने के बाद हमें पता चले कि अरे क्या मैं यही घर बनाने के लिए इतना पूरा जिंदगी बिताया। आज ये चालीसा का दिवस की तैयारी के प्रथम दिवस पर हम गौर करें, ये 40 दिन में कहीं मुझे मेरे इस स्वर्गीय महल बनाने के सामग्री में मुझे कुछ बदलाव लाना है, कहीं मैं सामग्री में मिलावट नहीं करता हूं, तो आज मुझे बदलना है, आज मुझे उठ खड़ा होना है। एसकेल के ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21, यदि कोई दुष्ट जन अपने किए हुए सारे पापों से विमुख होकर मेरे सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरना जीवित ही रहेगा। वह नहीं मरेगा, वह जीवित रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें किसी का स्मरण उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। देखिए, चाहे हम कितने भी महान पापी हो, बड़े बड़े पापी हो, लेकिन हमारे उसके बदले में पश्चाताप के साथ यदि हम विमुख हो जाते, हम वो रास्ता को छोड़कर ईश्वर के बताए हुए सही रास्ते से होकर चलने लगते, तो हमारे द्वारा किए गए सारे पाप का स्मरण तक नहीं किया जाएगा। और हम आगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 2 में पढ़ते हैं, ईसा अपने बपतिस्मा के बाद 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। नए विधान में हम देखते हैं ईसा खुद बपतिस्मा के बाद वे 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। क्या ईसा मसीह को, ईश्वर के पुत्र को 40 दिन उपवास करने की जरूरत थी? चूंकि वे मानवीय अवतार लेकर धरा पर आए थे, वे उनके लिए यह उचित ही समझे कि वे 40 दिन और 40 रात
ईश्वर पिता परमेश्वर के साथ लगे रहे, पृथ्वी पर के जीवन काल को जीने पूरा करने के लिए, उन्हें सौंपे गए जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, दुनिया के मुक्ति कार्य को पूरा करने के लिए, उनके लिए जरूरी था कि वे 40 दिन 40 रात उपवास करें और ईश्वर के साथ जुड़े रहे। और हम वहां देखते हैं किस प्रकार उनके जीवन में आए गए, किस प्रकार शैतान उन्हें बहकाता है, किस प्रकार शैतान उनकी परीक्षा लेता है और वे किस प्रकार उन परीक्षाओं से जीतते हैं, जहां पर अभी मैं गौर करना नहीं चाहूंगी। मैं आगे इस बीच में फिर से थोड़ा पुराने विधान में जाना चाहूंगी, जहां पर मूसा नबी का चालीसा, मूसा नबी भी 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहे, ईश्वर के साथ रहे सिनाई पर्वत पर, और उसने वहां न तो रोटी खाई और न पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किया। और किस प्रकार जब वो 40 दिन और 40 रात उपवास के बाद वापस लौटे, तब हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 29 में हम देखते हैं कि सिनाई पर्वत से जब मूसा उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर के बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल दैदित्यमान हो गया था, प्रकाशित हो गया था। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा के बाद आपका और मेरा मुखमंडल भी इसी प्रकार ईश्वर से प्रकाशित होना है, मुझे देखने वाले ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है, मुझे सुनने वाले ईश्वर के शब्द को सुनना है, मेरे जीवन की और मुझे पहले जानने वाले देखकर कहना है अब यह पुराने स्वभाव तथा पहले के जीवनचर्या गंदे वस्त्र की भांति उतार दिया है। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 22, क्योंकि ब्रह्मपूर्ण दुर्वासनाओं को पूरा करते रहने से वह बिल्कुल सड़ गया था, आध्यात्मिक तत्वों की चिंतन से अपना नया निर्माण कीजिए तथा वह नया स्वभाव धारण कीजिए जिसकी सृष्टि परमेश्वर के अनुरूप सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में हुई है। हाँ, हम भी इस नए वस्त्र को धारण करते हुए इस चालीसा काल में पुराने स्वभाव के गंदे वस्त्र को निकाल दें और नए वस्त्र को धारण करें, और इस प्रकार हम चालीसा काल को प्रारंभ करें, चालीसा को मनाएं।